हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में, जो कि IBPS ने आज रिलीज़ कर दिया है। और आज डेट है 25 अक्टूबर। वैसे मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिव्यू इस चैनल पे शेयर कर रखा है, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट 72 थे लिम्स के अंदर, और मैं अपना स्कोर कार्ड आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा स्कोर कार्ड, जो कि 58.50 मार्क्स आए हुए हैं। वैसे मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स कम है इसमें। मेरा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर था और कॉन्ट हार्ड था इस पेपर के अंदर, तो मेरे कॉन्ट में आप देख सकते हैं 13.75। मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे कॉन्ट के अंदर, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन किए थे और इंग्लिश में भी मैंने 30 क्वेश्चन किए थे, तो मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। शायद ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है। बाकी आप सबके कितने मार्क्स हैं आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वैसे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे 58.5 आएंगे, मैं 60 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था मार्क्स आ जाएंगे मेरे, पर ठीक है, जो भी प्रीलिम्स का वैसे भी मेंस के अंदर कोई रोल नहीं है, बस क्वालिफाई करना है। वैसे मेरी प्रीलिम्स की कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही है, अगस्त के बाद मैं कंप्लीटली मेंस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि RRB PO मेंस के बाद फिर मेरा RRB क्लर्क मेंस हुआ था, उसके बाद IBPS क्लर्क मेंस था, और अब IBPS PO मेंस है प्लस RRB PO का इंटरव्यू कंटिन्यू है मेरा, तो ठीक है जो भी मार्क्स आए। और PO मेंस की डेट है 5 नवंबर, जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस। थैंक यू गाइज़।